जैसे जैसे उपचुनाव की तारीखें दंतेवाड़ा में नजदीक आ रही हैं, बयानों की बौछारें लगातार चल रही हैं। इसी कड़ी में भाजपा ने कांग्रेस पर फिर एक बयान जारी किया है। भाजपा चुनाव प्रभारी ने प्रेस वार्ता कर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के आगामी 19-20 को दंतेवाड़ा में होने वाली चुनावी रैलियों को सुरक्षा नहीं दे पाने की बात से जमकर नाराजगी जाहिर की है। इसे वे कांग्रेस पार्टी का भाजपा के प्रचार अभियान को रोकने का एक बड़ा षड्यंत्र बता रहे हैं। प्रेस वार्ता पर आरोप लगाया कि प्रचार अभियान को रोकने के लिए इस तरह के पत्र छत्तीसगढ़ सरकार दंतेवाड़ा एसपी से जारी करवा रही है। दंतेवाड़ा चुनाव प्रभारी शिवरतन शर्मा, नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक, अजय चंद्राकर, केदार कश्यप, ओपी चौधरी ने खुलकर सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि अगर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के चुनावी सभाओं को सुरक्षा नहीं देने के पीछे साफ तौर पर छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और सीएम भूपेश बघेल द्वारा दबाव दंतेवाड़ा प्रशासन पर बनाया जा रहा है। कैसे भाजपा ने आज फिर एक आरोप कांग्रेस पर लगाया है, देखने वाली बात होगी कि अब कांग्रेस का पलटवार भाजपा पर क्या होगा। दंतेवाड़ा में उपचुनाव की तारीख नजदीक आते ही इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगातार देखने को मिल रहे हैं। एक्सप्रेस रिपोर्टर पंकज सिंह भदौरिया।